यह वीडियो केवल भारतीय आर्मी के बारे में जानकारी देने के हेतु से बनाया गया है। इस वीडियो में बोला गया हर एक शब्द पूरी तरह से भारतीय आर्मी के जवानों को समर्पित है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं उस जगह की जिसकी सच्चाई ना ही कभी आपने सुनी होगी और ना ही उस जगह को कभी आपने देखा होगा। हिमालय के काराकोरम पहाड़ों में मौजूद है दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि। यहीं पर चट्टानों और बर्फ के बीच भारतीय सैनिक सामना करता है बेहद मुश्किल परिस्थितियों का, ताकि वो हिफाजत कर सके एक ग्लेशियर की और हमारे देश की। इस जगह पे ना ही पेड़ पौधे है, ना ही जानवर है और ना ही कोई पक्षी। यहाँ युद्ध का खतरा हर वक्त मंडराता रहता है। ये कहानी है सियाचिन की। लेह से तकरीबन 200 किलोमीटर उत्तर में मौजूद है सियाचिन ग्लेशियर, जो 77 किलोमीटर लंबा है, और ये इलाका दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। सबसे पहले 13 अप्रैल 1984 में भारतीय आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत अपने सैनिकों को सियाचिन में हेलीकॉप्टर से उतारा था। सियाचिन ग्लेशियर की सबसे ऊंची चोटी सिया कांगरी समुद्र तल से 24,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर पूरे साल बर्फ बनी रहती है। मई जून की गर्मियों में भी यहाँ पर तापमान का पारा -10 डिग्री तक होता है, और सर्दियाँ तो पूछो ही मत। यहाँ पर सर्दियाँ बहुत लंबी और मुश्किल होती है। सर्दियों में यहाँ औसतन 35 फुट बर्फ गिरती है और तापमान का पारा -60 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। यहाँ पर हवा बहुत ही पतली है और पर्याप्त ऑक्सीजन भी नहीं है। यहाँ पर जरा सी भी लापरवाही हाइपोथर्मिया को नौबत दे सकती है। इस बहरहम मौसम में सामान्य इंसान की रहने की बात तो दूर, वहाँ पर जाने की बात भी मौत को दावत देना होगा। हमारे सैनिकों को यहाँ पर टुकड़ियों में बांट कर एक के बाद एक 4 महीनों तक भेजा जाता है। इतनी ठंड और बहरहम मौसम में सैनिक अपनी पीठ पर 20 किलो का भारी बैग और हथियार लेकर चलते हैं। यह सैनिक एक दूसरे के साथ रस्सी से बंधे हुए चलते हैं, और ये जानते हैं यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, और शायद इनमें से कोई वापस घर भी ना लौटे। यहाँ पर सामना सिर्फ दुश्मन से ही नहीं बल्कि कुदरत से भी करना पड़ता है, और इतनी ऊंचाई और बेरहम मौसम के बीच हमारे भारतीय सैनिक दिन रात 2400 घंटे रक्षा करते हैं हमारे देश की। स्नाइपर टीम इतनी ठंड में 96 घंटे तक बिना सोए अपनी ड्यूटी करती रहती है, ताकि हम शांति से सो सके। सियाचिन ग्लेशियर पर मौजूद हमारे सैनिकों को खाना, हथियार और सारी जरूरी चीजें बेस कैंप से हेलीकॉप्टरों द्वारा पहुँचाई जाती है। फ्रेंच तकनीक से बने यह चीता हेलीकॉप्टर, जो कि 16,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हमारे जाबाज पायलट कम सैनिक उन चीता हेलीकॉप्टरों को बेहद पतली हवा और कम ऑक्सीजन होने के बावजूद अपनी क्षमताओं से कहीं ज्यादा ऊंचाई तक उड़ाते हैं, और 20,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हमारे सैनिकों तक खाना और हथियार पहुंचाते हैं। सुबह के 8 बजे से ही वहां पर हर 8 मिनट में एक के बाद एक हेलीकॉप्टरों की परेड लगती है, और सारी चीजें हेलीकॉप्टरों में से थ्रो करके पहुंचाई जाती है, क्योंकि वहां पर लैंड करने की कोई जगह ही नहीं है। यहाँ तक अगर आप चौंके नहीं है तो आगे सुनिए। वहाँ पर मौजूद सैनिक बताते हैं कि उनको जो रेडी टू ईट खाना दिया जाता है, उसमें मौजूद उबले हुए आलू जब हेलीकॉप्टर से थ्रो किए जाते हैं, तो बेहद ठंड की वजह से वो आलू नीचे गिरने पर एक हार्ड स्टोन में परिवर्तित हो जाते हैं। इस आलू को अगर हमें भी खाने लायक बनाना हो तो हमें घर में कुकर की 18 से 19 सीटियां बजानी पड़ती है। यहाँ पर सैनिकों का खतरा हिमस्खलन से भी है, और आज तक हमारे कई सैनिक इसमें शहीद हो चुके हैं। सैनिकों के लिए सियाचिन में पोस्टिंग होना गौरव की बात है। हमारी आर्मी के एक 24 साल के मेजर, जो कि सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी ड्यूटी बजा रहे थे, बर्फ के तूफान की वजह से उनकी उंगलियां सुन्न होने लगी। उनके साथियों ने एक खबर तुरंत बेस कैंप में पहुंचाई, लेकिन बर्फ के तूफान की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकते थे। बर्फ का तूफान 6 दिन तक चला। आखिर 6 दिन बाद जब मेजर को नीचे लाया गया और दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में उनका इलाज किया गया, तो सद्भाग से वो बच तो गए, लेकिन इतनी देरी की वजह से उनका एक हाथ और एक पैर काटना पड़ा। लेकिन दिल को हिला देने वाली बात को समझिए दोस्तों, आर्मी के प्रति उस मेजर के जज्बे और लगाव में 1% की भी कमी नहीं आई। ना ही उन्होंने आर्मी को छोड़ा, ना ही आर्मी ने उनको छोड़ा। आज वो मेजर पुणे के आर्मी कैंप में नए आर्मी जवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।